भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। नमस्कार, 7 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बेटा एक बार शेयर करना सारे के सारे सेशन को, सो डेट के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाए। जल्दी से एक बार शेयर कर दो। देखो हम अपना 7 बजे के सेशन में ये 25 out of 25 स्कोर करने के लिए क्लास लेते हैं। अगर हम टारगेट करें तो 25 out of 25 हमें आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करें बेटा, कि 4000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको मैं बंद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको इवन संडे को भी करा रहा हूँ। तो जल्दी से एक बार शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं, शेयर करो एक बार। बाकी आप सभी की जो आज की क्लास है ना, ये 7 बजे वाली क्लास हो रही है, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे, 10 बजे वाली क्लास हो सकती है ना। अन अकेडमी पे जब आप आते हैं तो अन अकेडमी पे आप कॉम्बैक्ट जरूर, ठीक है, देना। अगर बात कॉम्बैक की है तो यार स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है, आपको बेनिफिट है। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो संडे को 12 बजे इधर लाइव ओवर रेफर कोड यूज करके, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये आपको ऐप ही देना, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप ही मिलेंगी। देखो अन अकेडमी का जो कॉम्बो ऑफर है ना, दिमाग में रखना, ये कॉम्बो ऑफर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्राइस हाइक का भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है प्राइस हाइक। तो अभी के इस कॉम्बो ऑफर को ज्वाइन कर लो। 16 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, बैच मैंने लाइव कर दिए। कहने का मतलब आप जुड़ सकते हो अब इससे। अगर आप लाइव अमन रेफर कोड यूज कर रहे हो, डायरेक्ट रेफर कोड यूज करिए। फाउंडेशन कोर्स जो है आपके, ठीक है, आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। आपको SSC गोल सिलेक्ट करना है, गेस्ट क्लिक करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, और रेफर कोड यूज करना लाइव अमन, ठीक है। ये रेफर कोड है जिसको आप यूज कर सकते हो और जुड़ सकते हो, ठीक है। जितने बच्चे देख, आपको इधर 24 मंथ सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको ना देखो यार पूरी मेहनत करनी है, तो सभी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। सारे टीचर पढ़ाएंगे एक ही कोर्स में, एक ही कोर्स में आपको सारी PDF सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, शेयर करना सेशन को और जल्दी से आंसर बताना, ठीक है। वी विल डू एटलीस्ट सम क्वेश्चन, जिससे कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे क्लास को लेके। जो हम 7 बजे पढ़ते हैं, इसका आपको कंटिन्यूटी बनाना है। अच्छा अगर मैं बात करूं सोल्ट लेक स्टेडियम, तो ये कहां पे सिचुएटेड है, जल्दी से बताइए। सोल्ट लेक स्टेडियम कहां पे सिचुएटेड है? चलो मंडे को भी क्लास होनी है, सारी क्लासेस होंगी, जितनी पॉसिबल है सारी मैं क्लासेस करा दूंगा, ठीक है। तो पहला अगर मैं सोल्ट लेक स्टेडियम की बात करूं, ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कुछ बच्चे इधर सोल्ट लेक सोच के, सांबर लेक सोच के आंसर राजस्थान लगा देते हैं, अगर राजस्थान ऑप्शन में होता है। लेकिन भाई याद रखना, सोल्ट लेक स्टेडियम कहां पे है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। कहां पे वेस्ट बंगाल में? एक और क्वेश्चन देखो, वेस्टर्न घाट। देखो अगर मैं बात करूं, ये अपना इंडिया के मैप पे, समझना इस चीज को, इंडिया के मैप पे ये अपना वेस्टर्न घाट है। अब कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट का जो वेजिटेशन है वो किस तरीके का, क्या ये ट्रॉपिकल है, क्या ये ट्रॉपिकल है, क्या ये डिसीडियस है, जल्दी से बताइए क्या वेस्टर्न घाट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या ये ट्रॉपिकल है या डिसीडियस। बेटा कमेंट बॉक्स पे सभी के आंसर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स पे सभी के आंसर आने चाहिए। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा ट्रॉपिकल, ठीक है। याद रखना ये जो है ये ट्रॉपिकल है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जैसे अर्थ पे इंडिया इस लोकेशन पे आता है, ये ट्रॉपिकल जोन है, तो वेस्टर्न घाट कहीं ना इस ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। तो इसलिए जो अगर मैं कहूं कि अर्थ में हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट कहां पे, ट्रॉपिकल जोन वेजिटेशन इसकी है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है इसके बीच, ऐसा नहीं कुछ रट्टा माना। नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके फाउंडर कौन थे, बड़ा आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इसमें। देखो दो सवाल आते हैं इसमें, पहला तो आप सभी जानते हैं नालंदा बिहार से संबंधित, दूसरा सवाल इसका आता है कि संस्थापक कौन है ना, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में सारे के सारे संस्थापक कौन है। फिर मैं इसका संरक्षण किसने किया था ये पूछने वाला हूं, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका संरक्षण, पहले संस्थापक बताओ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं इसके संस्थापक की, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है, तो आंसर है कुमार गुप्ता, ठीक है, आंसर है कुमार गुप्ता। अगर संस्थापक का पूछता, अगर बेटा इसमें ये कहता ना कि पेट्रोनाइज किसने किया, क्वेश्चन देखना, अगर ये कहे कि पेट्रोनाइज किसने किया था, सवाल कुछ इस तरीके का आता है, पेट्रोनाइज किसने किया, तो याद रखना धर्मपाला आंसर होगा, ठीक है, धर्मपाला, ठीक है, पाला वंश के देंगे धर्मपाला, जिसके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसका पेट्रोनाइजेशन संरक्षण किया गया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पाला वंश के संस्थापक गोपाला थे, ये भी क्वेश्चन आता। बनाना सिटी किसे कहते, बताइए किस सिटी को बनाना सिटी कहते, जैसे वाइन सिटी हो गया, एक्स सिटी हो गया, वैसे बनाना सिटी भी है भाई,
एक मे भी आपको, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ये 7 बजे की क्लास है, देर इज लोड मोड टू लर्न वाली क्लास, तो आपको सीखना तो है ही, जितना नया है उतना सीखो, ठीक है, जितना पॉसिबल उतना सीखो। बताओ बनाना सिटी जो है कौन सी सिटी, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। देखो अगर मैं बात करूं बनाना सिटी कौन सी है तो आंसर है जलगांव, इसका आंसर है जलगांव जो है ये बनाना सिटी है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक कान्हा नेशनल पार्क कहां पे, कौन सी स्टेट में, अगर मैं बात करूं कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिए सारे के सारे, कान्हा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कान्हा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में। आसान है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका आंसर, मध्य प्रदेश इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विद विच स्पोर्ट्स इज द, ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड, विंबलडन ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, विंबलडन ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विंबलडन ट्रॉफी जो है किससे एसोसिएटेड है, कमेंट करिए सारे सारे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए और बेटा जिसको भी मेरे प्लस कोर्सेज लेने हो ना, ये रेफर कोड है लाइव अमन, क्योंकि अभी कोर्सेज का जो ऑफर है वो अवेलेबल है और उसके कोर्सेज में जो है ना प्राइस हाइक भी पॉसिबल है, तो इसलिए फायदे की बात है, अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लॉन टेनिस का आंसर, एक और क्वेश्चन देखिए, क्लास मंडे को होगी, याद रखिएगा एसएससी गुरु की क्लास मंडे को, आजाद हिंद फोर्स वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन होता है, वैसे इसमें ये गलत नहीं होगा, ये आसान है, ये सही होगा, बताइए क्वेश्चन का आंसर, आजाद हिंद फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, चलो अगर मैं बात करूं आजाद हिंद फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी तो सुभाष चंद्र बोस, चलिए कलहारी डेजर्ट जो है कौन से देश में, कमेंट करिए कलहारी डेजर्ट कौन से स्टेट में, कमेंट करिए इस क्वेश्चन आंसर, कौन से ठीक है देश में कलहारी डेजर्ट है, जल्दी से बताइए। खैर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि कलहारी डेजर्ट कौन से देश में, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर साउथ अफ्रीका में, ठीक है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, अगर मैं बात करूं कलहारी डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, ये सब साउथ अफ्रीका में, तो कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तो कलहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका, क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है बताइए। मैलकॉम मार्शल वाज अ क्रिकेट प्लेयर, ये किस देश के खिलाड़ी थे, अगर आपसे कोई बोले रिकी पोंटिंग कहाँ का, तो फिर ऑस्ट्रेलिया बड़ी जल्दी आंसर दोगे, लेकिन रिकी पोंटिंग ऐसे पूछने नहीं वाला, इतना आसान पूछने का पेपर तो सोल्व ऐसे ही हो जाएगा, बताइए मैलकॉम मार्शल किस खेल से, मतलब किस देश से संबंधित है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट इंडीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए बताइए, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से बताइए इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट के हेडक्वार्टर कहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है, आंसर है जनेवा स्विट्जरलैंड, कहाँ पे जनेवा स्विट्जरलैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़े काम का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैपिटल करेंसी ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का कैपिटल और करेंसी क्या है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इजिप्ट, इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कैरल उसका, इसका एक तो ये लिखा हुआ है, ठीक कैरल, ठीक है ये तो बहुत बेसिक हो गया है ना, पाउंड करेंसी याद रखिएगा, ठीक है पाउंड करेंसी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है आसान ही क्वेश्चन है, हम जितनी स्पीड में हो सकता है क्वेश्चन करें, 7 बजे डेली क्लास होती है बेटा, मंडे को आपकी फुल फ्लेज क्लास होगी, इवन मैं संडे को भी आपका कहीं ना कहीं मोमेंटम बनाने के लिए 7 बजे क्लास बना दिया कि आपको फायदा रहे, आपकी हैबिट ना टूटे, ठीक है बताइए। देवताल लेक जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में, कमेंट करिए देवताल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, कमेंट करिएगा आंसर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देवताल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, आंसर उत्तराखंड, उत्तराखंड में लोकेटेड है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है कौन सी स्टेट, ये तो खैर आसान है, ठीक है कि भाई भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए,
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, उड़ीसा में है। देखो उड़ीसा के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उड़ीसा का जो क्या बोलते हैं सनरोक कन टेम्पल, जो सन टेम्पल जो है कनरोक का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। स्नान यात्रा इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, उड़ीसा का ही है, ठीक है ना। और इवन आपका ये भितरकनिका का, ठीक है, टर्टल का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी संबंध में मिलेंगे। बताइए कोलकाता कौन से शहर नदी के किनारे, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे। चलो आसान है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, आंसर है हुगली नदी किनारे, ठीक है, हुगली नदी किनारे। थोल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, जल्दी से बताइए, वेयर इज थोल लेक सिचुएटेड, थोल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बताइए कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थोल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, जल्दी से बताइए। देखो अगर मैं बात करूँ थोल लेक की, तो गुजरात में ऑब्वियसली है ना, तो गुजरात में। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेट है, जल्दी से बताइए बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेट है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे के सारे, कमेंट करिए सारे के सारे आंसर क्या, बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेट है। चलो आई थिंक सभी को आंसर आता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता तो अभी देख लूँ, ठीक है। वेस्ट बंगाल इसका आंसर है, बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे वेस्ट बंगाल में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, भाखड़ा डैम लोकेटेड है कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइए भाखड़ा डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए भाखड़ा डैम कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। चलो आसान है, देखो जो चीज आसान है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आसान है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, बताइए इजी क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इजी है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, 7 बजे क्लास डेली हो रही है। कल जब आप वाईफाई स्टडी सर्च करोगे तो 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आप बस मंडे से जो है ना, मंडे को जरूर ये सर्च कर लेना 7 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब पे, आपको ये डायरेक्ट क्लास मिल जाएगी। पपिकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस स्टेट में, जल्दी से बताइए पपिकोंडा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, हर एक बच्चा बताओ पपिकोंडा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश में स्टेट है। एक और क्वेश्चन, गदर पार्टी अमेरिका में बनाएगी, अब सैन फ्रांसिस्को में। अब सवाल ये पूछा जा रहा है किसने बनाई, दो व्यक्ति थे, सोन सिंह बस्थाना और दूसरा लाला हरदया, है ना बेटा, कमेंट करो सारे के सारे जल्दी से, एक बारी लिंक को शेयर भी कर दो हर एक बच्चा, ठीक है, लिंक को शेयर भी कर दो। आंसर इस क्वेश्चन का लाला हरदयाल इसका आंसर, ठीक है, लाला हरदयाल इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, जल्दी से बताइए कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइएगा। चलिए अगर मैं बात करूं कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है, तो आंसर इस क्वेश्चन है केरला में, ठीक है, केरला में लोकेटेड है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ फ्रांस, खैर ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, पेरिस तो ऑप्शन में वैसे भी दे रखा है, ठीक है, और बाकी कुछ बचता ही नहीं है, तो पेरिस और यूरोप इसका आंसर है ऑब्वियसली, ठीक, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी ये है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, पेरिस यूरोप। ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जल्दी से बताइए ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, कमेंट करिए सारे के सारे। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, अगर सैटरडे संडे में अगर कोई क्लास होती नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लास बंद हो गई है, मे बी वो सैटरडे संडे की वजह से क्लास नहीं हुई है, ठीक है, मंडे से फ्राइडे अपनी सारी रेगुलर क्लासेस हो रही है ना, मंडे से फ्राइडे आपकी सारी रेगुलर क्लास हो रही है, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, जरूरी है, बच्चे सोचते हैं क्लास नहीं होगी उसके बाद, ठीक है, डेली क्लास होती है। अगर मैं बात करूं हमारे देश में कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पे चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन ना ऑलमोस्ट होता है, ओवरलैप होता है, मतलब दोनों का ही उत्पादन होता है, अब ये चीज कहां पे, क्या ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में है या कहां पे, जल्दी से देखें कमेंट करिए।
क्या नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है कि चाय और कॉफी का उत्पादन दोनों होता है? चाय तो खैर असम में बहुत फेमस है, अब मुझे ये बताओ क्या कॉफी का उत्पादन भी होता है वहां पे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कॉफी का भी उत्पादन होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अगर मैं बात करूं कि यार क्या नॉर्थ ईस्ट में ये उत्पादन होता है, तो बिल्कुल गलत आंसर है साउथ वेस्ट। कैसे? साउथ वेस्ट मतलब बात हो रही है कर्नाटका की। किसकी बात हो रही है? कर्नाटका की। दे आर एग्जैक्टली टॉकिंग ऑन कर्नाटका, कर्नाटका की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कर्नाटका में चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ चाय का उत्पादन होता है, ओवरलैपिंग कर्नाटका में होती है, ठीक है दिमाग रखिए। सिल्क सिटी हम किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने एक ये पढ़ा बनाना सिटी का, वैसे ही सिल्क सिटी भी पूछा जा सकता है। मैं वैसे सारे जितने भी नए सवाल हैं वो आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बेनिफिट है आपको इन सवालों का, ठीक है। सिल्क सिटी कहाँ किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं सिल्क सिटी किसे कहते हैं, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है ठीक है पोचमपली इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन हो गया ये तो, ईजी है बहुत ज्यादा। सोलर सिस्टम का सन से दूरी कितना है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो खैर ए ही ऑप्शन सही है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं मेरी क्लास में कभी, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आज ठीक है, आज इसे भी देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताइए महो किसकी यूनिट? जैसे आप सभी जानते हैं ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है। कुछ इसी तरीके से महो किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा, ठीक है बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा, महो जो है कंडक्टेंस की यूनिट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक, इन विच स्टेट इज द फेमस खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? बताइए खजुराहो टेम्पल कहाँ पे, इजी क्वेश्चन है। देखो यार खजुराहो आप सभी जानते होंगे, बहुत बेसिक है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो बताओ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ब्लैक सोयल डिराइव फ्रॉम द वोल्केनिक रॉक विद ह्यूमस इज सुटेबल फॉर? देखो यार आपको ना इसमें अगर चाहे ब्लैक बोलता चाहे वो आपको रेगुर बोलता, वी ऑल नो द आंसर कि भाई कॉटन इसका आंसर है, ठीक, वी ऑल नो द आंसर कॉटन इसका आंसर, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है वो ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। चलिए अगर मैं बात करूं इसका तो इस क्वेश्चन का आंसर है रेगूर सोयल, ठीक है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, हाँ जी मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, बताइए मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, इजी है आई थिंक है ना, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु, ठीक है तमिलनाडु इसका आंसर है, इजी क्वेश्चन। मेरा ये रेफर कोड है लाइव, देखो अभी आपको मैं बता दूं, मैं आपको ये जरूरी बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस हाइक हो रहे हैं, ठीक है याद रखिएगा इनके प्लस कोर्सेज के, तो इसलिए मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अभी आपको ऑफर जो मिल रहा है ना अभी इसमें अवेलेबल है सारे ऑफर, 4 मंथ एक्स्ट्रा वाला ऑफर भी अवेलेबल है, ठीक है सारे डिस्काउंट भी अवेलेबल है कॉम्बो पैक में सब कुछ, लेकिन समय रहते जो इनके लिए रेफर कोड यूज करके लाइव ऑफर। ल्यूनर कॉस्टिक का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ल्यूनर कॉस्टिक, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ल्यूनर कॉस्टिक का फॉर्मूला क्या है तो आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए आंसर इस क्वेश्चन का, सिल्वर नाइट्राइड इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है, कमेंट करिए, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन हो गए कि रबी क्रॉप कौन सा। ठीक है अगर बात करूं रबी क्रॉप कौन सा है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है मस्टर्ड इसका आंसर है, ठीक है। रगन तुट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सी स्टेट में, कमेंट करिएगा कि ये कौन सी स्टेट में, ये बर्ड सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिएगा सारे सारे, अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी, इजी क्वेश्चन कर्नाटका इसका आंसर कि ये कहाँ पे कर्नाटका में, इजी क्वेश्चन बताइए। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी में, हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, अब नदी आप सभी जानते हैं कि भाई हीराकुंड है महानदी, ठीक है ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है
हीराकुंड है महानदी में। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्देस्ट फ्रॉम द सन, जल्दी से बताइए कौन सा सन से सबसे दूर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन कि कौन सा सन से सबसे ज्यादा दूर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जब अगर मैं बात करूं सन से ज्यादा सबसे दूर जो है तो जश्न है, ठीक है, एन है, आंसर है नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून इसका आंसर। बेटा शेयर करना सारे के सारे, आप 7 बजे, ठीक है, बेफिक्र रहो, मंडे को अपनी फुल फ्लेज क्लास होने वाली है, हम पूरी क्लास करेंगे 7 बजे, बस आप वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना, आपको डेली 7 बजे मिलती है, आपको भी पता है, ठीक है। मैंने सोचा कि आज मोमेंटम ना बिगड़े तो मैंने एक शॉर्ट क्लास रख दी आपकी, ठीक है, और ये जरूरी भी है, मोमेंटम बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, सिविल सर्विसेज डे किस दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आज 10 बजे वाली क्लास का भी मैं शोर्टी से नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको कल सारी क्लासेस कराने वाला हूं। लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फादर ऑफ सिविल सर्विस। सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है, बताइए सतपुरा कहां पे, देखो सतपुरा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी बात है, सतपुरा और विंध्या ये दोनों के दोनों रेंजेस मध्य प्रदेश के आसपास आती हैं, तो हम बेसिकली इसका आंसर मध्य प्रदेश लगाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज सिचुएटेड फॉर द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, कौन सा इसमें से शहर जो है सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड पे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा शहर जो है सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड पे कौन सा शहर है, जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो याद रखिए आंसर इस क्वेश्चन का लासा, ठीक है, लासा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी द क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, स्किप मार रहे, बताइए इस क्वेश्चन का। नेपर म्यूजियम कहां पे, जल्दी से बताइए नेपर म्यूजियम जो है, संग्रहालय जो है ये कहां पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो, शेयर करो सेशन को, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ये खैर थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही, ठीक है, बताओ नेपर म्यूजियम जो है कहां पे लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है नेपर की अगर मैं बात करूं तो नेपर कहां पे, केरला में, ठीक है, नेपर कहां पे, केरला में इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए बताइए नेपर कहां पे, केरला में इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए नेपर कहां पे, केरला में, आंसर है इसका ये, ठीक है। नबार्ड अगर मैं बात करूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नबार्ड के हेडक्वार्टर मुंबई में, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताएं। म्यांमार सेपरेट करता है इंडिया, देखो ये बहुत बेसिक है, इंडिया से म्यांमार ना बहुत पहले सेपरेट हो गया था, कौन से वर्ष में, जल्दी से बताएं। इंडिया से म्यांमार बहुत पहले सेपरेट हो गया था, कौन से वर्ष में, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, दिमाग में रखिए अच्छे क्वेश्चन में से एक 1935 का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है, एसएससी गुरु वाली क्लास। अगर मैं बात करूं मोहिनीअट्टम फेमस है क्लासिकल डांस है किस स्टेट से संबंधित, जल्दी से मोहिनीअट्टम फेमस क्लासिकल डांस है किस स्टेट से संबंधित, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये कि भाई मोहिनीअट्टम किस स्टेट से संबंधित है, तो आंसर केरला से संबंधित, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। बेटा मैंने आज ये शॉर्ट सेशन रखा है, मैंने ये शॉर्ट सेशन इसलिए रखा है कि आपकी 7 बजे वाली क्लास की जो हैबिट है वो टूटे ना, ठीक है। हम कल पूरी फुल फ्लेज क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम 120 क्वेश्चन पार करते हैं वो करने हैं हमें, ठीक है, कल मैं ज्यादा करा दूंगा थोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मोमेंटम बनाए रखिए, इसलिए मैंने आज ये शॉर्ट सेशन रख लिया। हालांकि मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कुछ, लेकिन फिर भी अपन लोगों ने क्लियर कर लेना कि हाँ भाई 7 बजे मोमेंटम रखना अपना, ठीक है। चेराव डांस कहाँ का है, मिजोरम का है। एक और क्वेश्चन देखिए, रिलीजन ऑफ मैन Who was the author of Religion of Man? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस किताब के ऑथर कौन थे, Who was the author of Religion of Man? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं।
चलिए आंसर क्या बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी ऑथर कौन है, आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोरस रॉक, आसान है ठीक है, पोरस सैंडस्टोन होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्यों सैंडस्टोन क्यों, क्योंकि जितनी भी सेडिमेंटरी रॉक्स होती है उसमें पोरसनेस होती है। कोटा कौन सी नदी के किनारे, इजी क्वेश्चन शायद सभी को आता है, मैंने पूरा समझा रखा है कि भाई कोटा कौन सी नदी के किनारे, तो आसान है मेरे हिसाब से, सभी को आता है इस क्वेश्चन का आंसर। कोटा चंबल नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहां पे है, कमेंट करिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस कहां पे है, याद रखिएगा आंसर इस क्वेश्चन का मनीला, ठीक है, मनीला इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, न्यू ऑर्गन के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, न्यू ऑर्गन की डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा न्यू ऑर्गन की डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए सारे के सारे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है मोर्फोजेनेसिस का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, सिटी ऑफ लेक्स, कौन सी सिटी को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो है कल क्लास करेंगे पूरी, जो हमारी फुल फ्लेज क्लास होगी 7 बजे, ठीक है, कल क्लास होगी आपकी फिर फुल फ्लेज जो 7 बजे होती है, नो डाउट आपकी सारी क्लासेज ऑन टाइम है, ठीक है, जैसे आपकी ये आज क्लास है, बस आज ही मैंने एक शॉर्ट सेशन इसलिए रखा, मोमेंटम बनना चाहिए, मोमेंटम बिगड़ना चाहिए, भोपाल इसका आंसर है, ठीक है, भोपाल इसका आंसर है। चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं आपकी क्लास जो है मैं आपको डेली बेसिस पे कराता हूँ, 7 बजे आप वाईफाई स्टडी सर्च करना, पीडीएफ मैं इसके भी कमेंट बॉक्स पे लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं लगाऊंगा, आप 7 बजे कल फुल फ्लेज क्लास के लिए, जैसे आज संडे है तो आज एक शॉर्ट सेशन रख लिया, कल हम इसका पूरा 1 से 1.5 घंटे का सेशन रखेंगे, 7 बजे वाईफाई स्टडी पे ही सेशन होगा, आप इस क्लास को कंटिन्यू देखिए, ठीक है, ये क्लास जरूर दिखेगी आपको कल भी अगर आप सर्च करोगे, लेकिन कल कंप्लीट सेशन होगा, ठीक है, कल कंप्लीट सेशन होगा जो रेगुलर हमारा मंडे से फ्राइडे होती है, ठीक है, मंडे से फ्राइडे, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा मेरी सभी क्लासेस में, ठीक है, 10 बजे वाली क्लास में भी जितने बच्चे देख रहे हैं, और आपका जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है बेटा याद रखिएगा ये भी आपके लिए अवेलेबल है, आपको ये मैं आपको बताऊं अभी प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो उससे बेटर कि आप अभी जो है, ठीक है, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 4 मंथ उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, इवन आपकी ना पूरा फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन का मतलब कि आप पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ पाओगे, जब तक आप कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है। अब किस तरह की दिक्कत होती है कि कंसेप्ट नहीं आता, क्वेश्चन नया आ गया तो वो सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं एग्जाम से बच्चा बाहर हो जाता है, वो अगर कंसेप्ट आता होगा ना चीज का, टॉपिक का, तो वो कैसा भी नया क्वेश्चन है, और इसी कंसेप्ट के लिए थ्योरी चाहिए, थ्योरी का पूरा फाउंडेशन हर एक सब्जेक्ट का होगा। ये जो नया बैच है ना दिमाग में रखना, ये जो नया बैच है ये अब आप 16 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट है, ये रेफर कोड है लाइव अमन, और मैं बता दूं मैं इन सब एग्जाम के लिए बैच लेके आया हूँ, ये सारे एग्जाम कवर हूँ, इवन UP SSSC और DSSB का भी जो पेपर है वो आप क्रैक कर सकते हो मेरे कंटेंट से, ये रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन, कैसे यूज करना है ये देख लो, लाइव अमन रेफर कोड को यूज करने के लिए चाहे आप किसी भी एग्जाम में जुड़ना चाहते हो यूज कर सकते हो, डिस्काउंट हर जगह मिलेगा, ऑफर हर जगह मिलेगा, यूज करना कैसे ये देखो, आपको SSC गोल सिलेक्ट करना है, जब आप SSC गोल पे जाओगे ना तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, किसका ऑप्शन मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन का, बेटा सेशन को लाइक शेयर कर देना, मैं रेगुलर क्लास 7 बजे कराता हूँ, कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज शॉर्ट सेशन रख दिया मैंने, ठीक है, 24 मंथ सिलेक्ट करना, उसके बाद इधर हैव अ रेफर कोड में लगाना, लाइव अमन रेफर कोड, ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड हैव अ रेफर कोड में लगाना, ठीक है, इस रेफर कोड से आपका डिस्काउंट सारे ऑफर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मेरा शेड्यूल यही रहने वाला है जो मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरे शेड्यूल में यही पढ़ाने वाला हूँ, मे बी मैं आपको 10 PM की क्लास आज भी करा दूं, ठीक है, अगर कराऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑब्वियसली आता ही, आप मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लो अनअकैडमी, बाकी कल सारी क्लासेस होंगे मंडे से फ्राइडे जो होती है, A to Z क्लासेस होने वाली, ठीक है, A to Z क्लासेस होने वाली है, सो डोंट मिस, ठीक है, आपका बेनिफिट है, आप इस क्लासेस को देखते रहो, ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लो, मैं अनअकैडमी पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, 10 PM पे,
जो प्रोफाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मैं क्लास का पीडीएफ भी आपको अभी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास का पीडीएफ भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, रेगुलर जुड़िए, ठीक है। हर दिन क्लास 7 बजे वाईफाई स्टडी पे होती, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। ओके बाय सभी।